हे गाइस, आज हम लोग जानेंगे कंट्रोल प्लस ए टू जेड के बीच में कुछ कुछ नंबर्स, कुछ कुछ लेटर्स के बारे में, और जो कि शॉर्टकट कीज होती हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस ए पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस ए कैसे होता है, यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस ए किस लिए यूज़ होता है, मेन हम लोग को ये जानना है। तो कंट्रोल प्लस ए जो है, जो भी हमने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब अदितिज क्रिएशन, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लाइक टुडे इज़ दिवाली, तो हैप्पी दिवाली मैंने लिखा। अब हम लोगों को ये सब को सेलेक्ट करना है। हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं उसको कॉपी के लिए, पेस्ट करने के लिए, या फिर उसको अंडू रीडू कुछ करने के लिए। तो फिर उसको अगर हमें वो करना है और हमें काफ़ी बड़ा से लिखा है, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो हम लोग जाएंगे क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस ए को। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरा हो गया सेलेक्ट। यहाँ पे पूरे जो भी मैंने लिखा है वहाँ तक ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है। इसको मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, कंट्रोल प्लस ए। वेट, तो यहाँ पे ये पूरा सेलेक्ट हो गया है। अब हम चलते हैं इसको कंट्रोल प्लस बी के बारे में जानने के लिए। तो कंट्रोल प्लस बी हम लोगों का होता है ये कंट्रोल प्लस बी। तो ये हमें दोनों को साथ में हम लोगों को दबाना है। कंट्रोल प्लस बी हम लोग को मैंने उतना सेलेक्ट कर रखा था, और यहाँ पे वो कंट्रोल प्लस बी से हो गया है। अब हम लोग कंट्रोल प्लस सी यानी कि कॉपी करने का चाहिए। अच्छा, कंट्रोल प्लस बी का क्या होता है? कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है उसको बोल्ड करना। तो यहाँ पे हम लोग के होम पे टैब पे होता है हमेशा बोल्ड का ऑप्शन, जो कि हम लोग शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं CTRL+B। अब हम लोग उसको कॉपी करना है, तो वो जो हम लोग होम से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे शॉर्टकट की से, तो जो भी है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस सी यूज़ कर लिया है। अब हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो वो डेट इज़ आर कंट्रोल प्लस बी। जैसे मैंने ये कॉपी करा है, तो मैं यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करते हैं, और यहाँ पे मेरा वो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस बी से उसको पेस्ट भी कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे और भी ऊपर, कंट्रोल प्लस आई पे चलते हैं। कंट्रोल प्लस आई हम लोगों का होता है किसी भी, जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है, सबसे पहले हम लोगों को उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये मैंने करते आपको दिखा देते हैं, ये मैंने इसको सेलेक्ट करा। अब सेलेक्ट कर लेने के बाद हम लोगों को कंट्रोल प्लस आई बटन दबाना है। तो यहाँ कंट्रोल प्लस आई दबाने के बाद आप हम देखिए कि यहाँ पे ये जो रिटर्न है, ये वाला जो रिटर्न है हम लोगों का, वो अलग में है, और ये वाला जो रिटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंस में है। ये इटैलिक है, इटैलिक का मतलब होता है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाना, टेढ़ा हो जाना। तो यहाँ पे मैंने वो वैसे कर दिया है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, तो कंट्रोल प्लस एन पे चलते हैं, क्योंकि हम ये मैं कुछ बिगनर्स या फिर शॉर्टकट कीज़ कुछ छोटे छोटे बता रही हूँ। तो कंट्रोल प्लस एन पे चलते हैं हम लोग। तो कंट्रोल प्लस एन सबसे पहले होता किस लिए है, हम लोगों को अगर न्यू फाइल चाहिए होती है, नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तो कंट्रोल प्लस एन होता है। चलिए उसको हम लोग अब यूज़ करते हैं। तो हाँ, तो मैंने जैसे कंट्रोल प्लस एन दबाया, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल आ गई, डेट इज़ हम लोग की बुक टू नाम से है। जैसे कि देखें आप, वो बुक वन नाम से थी, वो बुक टू नाम से थी, ये देखिए वो बुक वन नाम से थी, जो कि हमारा ये था। एंड देन हमने क्या करा, हमने कंट्रोल प्लस एन दबाया, तो ये हम लोग की बुक टू ओपन हो गई है। अब हम लोग चलते हैं आगे, और भी हम लोगों की शॉर्टकट कीज़ हैं। तो पी हम लोगों का होता है प्रिंट करने के लिए। जैसे हम लोग